प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे लॉकडाउन 2 के दौरान भी जय गुरुदेव संस्था ने देशव्यापी अभियान चलाकर गरीब बेसहारा तथा जरूरतमंद लोगों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध करवाकर उनको भूख से बचने के लिए अनोखी पहल की है। इस संस्था ने मथुरा जिले में अभियान चलाकर उन लोगों को चिन्हित किया है जो कोरोना महामारी के चलते भूखे प्यासे सोने के लिए मजबूर थे। आपको बता दें कि लोगों का दुख दर्द समझते हुए जय गुरुदेव संस्था अपने वाहनों से भोजन भेजकर उनकी भूख को मिटाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों के लिए जय गुरुदेव संस्था मसीहा के रूप में रोल अदा कर रही है। इस संस्था के महामंत्री बाबूराम यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते जब से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तब से जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था महाराष्ट्र के निर्देशानुसार देशव्यापी अभियान चलाकर जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए भोजन वितरण कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के लिए रोजाना 15,000 भोजन के पैकेट तैयार कराकर वितरित किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा रोजाना 5 भोजन वाहनों के माध्यम से जिले भर में जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक संस्था असहाय और निर्धन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाती रहेगी। महामंत्री बाबूराम ने कहा कि प्रशासन की अनुमति लेकर जरूरतमंद लोगों को सुबह शाम भोजन वितरण किया जा रहा है। भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जय गुरुदेव संस्था का उद्देश्य है कि देश में कोई मानव जाति भूखी ना सोए। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। जी मुझे बाबूराम यादव कहते हैं जी, क्या पद भार हैं? हम संस्था के महामंत्री हैं। खाना वितरण कराया जा रहा है ऐसे लॉकडाउन के समय पर, कितना खाना सब लोगों को दे चुके हो, कितना रोजाना जाता है? देखिए हमारी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था जनहितों का काम करने वाली देशव्यापी संस्था है। हमारी संस्था के प्रमुख पूज्य महाराज जी ने लॉकडाउन होने के समय से ही ये आदेश दिया कि हमारे देश में कोई मानव मात्र इंसान भूखा प्यासा ना रहे। अपना कर्तव्य समझ करके हमारी संस्था देशव्यापी अभियान चला रही है। मथुरा में भी हम अपने आश्रम को केंद्र बना करके प्रशासनिक अनुमति ले करके, आप जहां पर खड़े हैं ये जय गुरुदेव रेस्टोरेंट जय गुरुदेव कम्युनिटी किचन सेंटर के रूप में काम कर रहा है। हम इस जगह से पैकेट बना करके अब इस समय नित्य सुबह शाम मिला करके 15,000 भोजन के पैकेट बांट रहे हैं। हमारी 5 भोजन पैकेट वितरण की गाड़ियां लगातार सुबह शाम बांटती हैं। पूरे मथुरा जनपद की अगर बात की जाए तो अब तक कितना खाना लोगों तक पहुंचा चुके हैं आप? अब हम शुरू में तो 2,000 पैकेट बनाते थे, फिर हमारी क्षमता बढ़ गई 4,000 बनाने लगे, फिर 5,000 पैकेट हो गए, 7,000 से बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गए, लेकिन विगत 3 दिनों से इतनी मांग बढ़ गई तो हमारी क्षमता 15,000 तक पहुंच गई है। हमारे 5 भंडारे इस क्षमता को पूरी करने में लगे हुए हैं। भोजन में क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है? देखिए भोजन में पहले तो पूरी सब्जी बांटी जा रही थी, लेकिन लोगों की मांग हुई कि रोटी की भी ज़रूरत है, तो हमारे केंद्रीय भंडारे में रोटी की मशीन है। हम अपनी रोटी की मशीन से रोटी और सब्जी, पूड़ी और सब्जी, फिर मांग बढ़ने पर हमने खिचड़ी के भी पैकेट बनवाने शुरू कर दिए। लोग अपनी पसंदीदा के पैकेट लेते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.